प्रिय भक्त सज्जनों तथा देवियों, प्यारे बच्चों, जीवन में सुख के बिना मन लगता नहीं है कहीं, और मन ही दुख बना लेता है। सदैव सुख की चाहना भी है और ये मन से ही संभव होता है दोनों चीजें, और वही मन दुख और समस्या बना लेता है। तो उसके लिए मन की ही साधना करनी पड़ती है, मन को ही समझाना पड़ता है, मन के लिए ही भजन साधन जितने भी नियम हैं धर्म क्षेत्र में, पूजा पाठ संतों गुरुजनों के प्रति जो भी कर्म कांड हैं, सिर झुकाना, माता पिता की सेवा, इससे मन प्रशिक्षित होता है। बिना मन को सिखाए पढ़ाए ये मन सदैव हमें दुख की ओर ही ले जाता है। जीवन को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उलझाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। मन को सुशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, कई जन्म लग जाते हैं। गुरुदेव ने गाया है कि बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, सदगुरु शरण भेटाना हो मेरो भाग्य जगी है। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है। अब इस बात को कैसे माने? जब पुण्य नहीं होता है तो हजार बात समझाओ, लोग पीठ घुमा के चले जाते हैं, बल्कि और उल्टा पुल्टा कहते हैं। जब पुण्य होता है तो दौड़ करके आते हैं लोग, महाराज क्या कहते हैं, और बड़ा अहो भाग्य मानते हैं। तो अब इसमें पुण्य ही कहा जाएगा। अब घरों में तो सब प्रकार के लोगों के यहाँ जाना होता है, तो बच्चे क्या माता पिता ही कहने लगते हैं कि साहब बच्चों की परीक्षा हो रही, प्रैक्टिकल हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, बहुत बिजी हैं साहब, कोचिंग चल रही है, छोटे छोटे बच्चे का भी, छोटे छोटे, अरे उनका होमवर्क साहब बाकी, बहुत बिजी है। अब जब पिता ही माता ही बड़े बुजुर्ग ही समझा रहे हैं हमको, तो कौन जाए बच्चों को जगाए उठाए कि चलो बेटा हमारे पास आओ बैठो, तो अब किसके सिर में ऐसा दर्द है उनके जब नहीं है। और जहाँ पुण्य होता है तो माता पिता भी कहते हैं, बच्चे स्वयं उठ के आ जाते हैं, नहीं मैं आज नहीं पढ़ूंगा, गुरुजी के पास बैठूंगा, अथवा अपना मन ही लग जाता है कुछ सेवा करने के लिए, खिलाने पिलाने, बैठने उठने, पानी भोजन देने के लिए, नहलाने के लिए, गुरुजी के साथ में घूमने जाऊंगा। ये एक पुण्य का ही फल है। हम लोग इसको पुण्य बचपन में किए देखे तो अब अनुभव होता है कि ये पुण्य कैसे कैसे धीरे धीरे छोटेपन से ही काम कर रहा था, वो आज ना काम करता होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचते। गुरुजनों के छोटे छोटे कार्यों में बड़ा आनंद मिलता था। अब वो ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़े ज्ञानी संत रहे हों तो हमको प्रभावित करते रहे हों, कुछ नहीं, सीधे साधे संत आवें तो उनके पीछे घूमने में ही आनंद आता था, उनका पैर दबाने में ही आनंद आता था, उनकी बाणी भाषा, एक छोटी मोटी भजन, टेढ़ी मेढ़ी भजन भी बहुत अच्छी लगती थी। वाह, बहुत अच्छे संत, वो बचपन का जो संतों के प्रति लगाव श्रद्धा था आज भूलता नहीं है। आज की समझ से लगता है कि अच्छा वो संत तो बहुत सीधे साधे रहे, वो ज़्यादा समझदार ज्ञानी नहीं रहे, लेकिन हाँ खराब नहीं रहे, उनकी चाल चलन अच्छी थी, ज़्यादा ज्ञानी नहीं रहे कि वो बहुत चेता जगा सकें, मंत्र श्लोक सुना सकें हमको, और कोई जड़ चेतन का निर्णय सुना सकें, ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो ऐसी जगहों से, ऐसे संतों से हम सीख सीख करके ये धीरे धीरे पुण्य की पूंजी इकट्ठी होती है।
तो जन्म जन्म से ऐसे पूंजी इकट्ठा होते होते आज बुजुर्गों को समझाओ कि महाराज आइए बंधु, आज बूढ़े हो गए हैं, मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला, आकर थोड़ा बैठो समझो। अरे महाराज, अब बुढ़ाईदार हमको धर्म कर्म न सिखाओ, हम सब बढ़िया हैं। जवान लोग अपनी तरफ व्यस्त हैं, बूढ़े लोग कहते हैं हमको, कई बार तो कहते हैं साहब हमको बेधर्म मत करो, हम बढ़िया हैं, हमको हम नहीं सीख सकते हैं। तो और कई बार तो अभी 18-20 साल का नवयुवक भी कहता है महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए, पीछे पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर वो भीतर से इतना तूफान मचा है पुण्य का कि नहीं, मुझे चैन नहीं मिल रही महाराज, जल्दी करिए। तो बैराग के लिए उसी अंदर तूफान मचा है कि माता पिता से चुपके से आधी रात को भाग जाता है। तथागत बुद्ध के वैराग्य जब उदय हुआ था, बेचैन थे, अंत में यशोधरा देख करके कि इससे अच्छा तो ये जंगल भाग जाए ठीक है, क्योंकि यही पागल हो जाएंगे घर में। उनकी बेचैनी देख देख करके रात को नींद नहीं आती थी, और किसी भी वृक्ष के भाग करके घर के मैदान में वृक्षों को पकड़ करके वो बेचैन हो जाते थे, रोने लगते थे, शरीर को उसे संभालते थे, पकड़ कर दीवार में गिर जाते, क्योंकि उतना उलझन, संसार की जो विषमताएं हैं, तो उन्हें उत्तर ढूंढ रहे थे कि आखिर इसका मतलब क्या है, आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है, और आदमी मर क्यों जाता है, आदमी ये बाल पाक पक क्यों जाते हैं शरीर में, झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं, बीमार क्यों हो जाता है, ये कीड़े मकोड़े तमाम जीव जंतु दुख क्यों भोग रहे हैं, और ये तमाम तरह की हत्या पाप ये सब क्यों हो रहा है, इसका क्या होगा, तो सब चीज़ का वो उत्तर निकाल रहे थे। दुख क्यों होता है, बीमारी क्यों होती है, तो इसकी जब साधना किए तब पाए कि अच्छा ये बात है। तो जीवन में सब सुख चाहते हैं, सुख के समाधान के लिए मन को ही सिखाना पढ़ाना पड़ेगा, और जब मन प्रशिक्षित हो जाता है तो यहीं से दुख की जड़ें कटने लगती हैं। पुरानी जड़ें हैं, लगी हैं इस जीवन में, उसका फल भोगते हुए फिर आगे के लिए सारी जड़ें काट दी जाती हैं, फिर जो हम चाहते हैं वही होता है। हम सुख चाहते हैं तो सुख के बीज हम बोने लगते हैं, और वही फल काटने लगते हैं, वही अपने को मिलने लगता है। एक उदाहरण से समझें कि आदमी सुख कैसे और दुख कैसे पाता है। एक व्यापारी सोचा कि मैं कुछ व्यापार करूं और जीवन निर्वाह के लिए, परिवार पालन के लिए यही ठीक रहेगा, बिजनेस करूं। तो कुछ कम्बल खरीद लिए, ठंडी का मौका था, और कम्बल ले जा करके एक सड़क पर अपना दुकान लगाया। तो 10-20-50 कम्बल, 100 कम्बल खरीद लिए और दुकान लगाया, तो कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा था, कोई बिक्री नहीं हो रही थी। उधर से बादशाह और मंत्री निकले वेश बदल करके निरीक्षण में, तो देखिए कि ये आदमी बड़ा उदास मुँह लटकाए बैठा हुआ है। बोले आपको क्या दुख है, समस्या क्या है, क्या है समस्या, क्यों नहीं है, ठंडी उतनी पड़ नहीं रही है, माल मेरा बिक नहीं रहा है, कोई ग्राहक आ नहीं रहा, तो बच्चे क्या खाएंगे, सब चौपट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उदास हूँ। तो अच्छा, ऐसी बात है। राजा चला गया घूम घाम करके, और अपने दरबार में दरबारियों को एक आदेश दिया कि कल से सबको एक एक कम्बल खरीद के और कम्बल साथ में लाना है, जो नहीं लाएगा 500 रुपये जुर्माना। तो अब सबको चिंता हुई कि राजा का भी बड़ा गजब का मूड है, अब कम्बल क्या करेंगे, ठंडी वंडी है नहीं, अब ये हमको दंड दे रहे हैं, लेकिन राजा का आदेश। तो दूसरे दिन से क्या हुआ कि कम्बल को सबको जरूरत पड़ी, तो उसी रास्ते में वो कम्बल की दुकान थी, अब कम्बल जाते, भाई कम्बल कितने का, 5 रुपये का कम्बल, उस समय वही बात रही होगी, तो 5 रुपये का कम्बल, सोचे कि कम्बल ले ही लेते हैं, जरूरत नहीं है तो क्या, 5 में मिल जाएगा, 500 तो बच जाएगा, तो 500 दंड कौन देगा,
तो कम्बल लेके जाते वहां। तो बहुत खुश था, धीरे 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 वो कम्बल बिक गए, एक कई दिन में सब खरीद लिए लोग। अब एक कम्बल बचा था, पीछे से मंत्री पहुंचा तो बोले, भाई कम्बल मुझे लेना है। अब तो कम्बल सब बिक गए, देर के पहुंचे थे, नहीं कम्बल दीजिए मुझे, और कहीं एक बचा है मैं अपने ओढ़ने के लिए रखा हूँ, आखिर सब बेच बिक जाएगा तो मैं ओढ़ूंगा क्या ठंडी में। कहें नहीं मुझे कम्बल चाहिए, दीजिए, और 500 में दंड दूंगा, ये ठीक नहीं है। तो फिर कम्बल मिल सकता है, लेकिन एक बात है। कहें क्या बात है? कहें 250 का कम्बल दूंगा। सोचे कि 250 का ले लूंगा तो 250 तो बचेगा, और वो नहीं लूंगा तो खाली हाथ जाऊंगा तो 500 जुर्माना देना पड़ेगा। तो 250 का कम्बल ले लिया, अब घर चला गया, बहुत खुश था। और लेकिन जब 250 का बेच लिया तो उसके मन में एक उदासी आ गई। तो बहुत खुश था, कम्बल बहुत बिका, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ कि इधर फिर सुबह फिर समय से घूमने गए, हाँ शाम को फिर घूमने गए, अंधेला हो रहा था, गए तो घर में उदास बैठा था। तो बोले, क्यों भाई उदास हो? कम्बल नहीं बिके क्या? नहीं कम्बल बिके हुजूर, सब बिक गए कम्बल। फिर आखिर जब कम्बल नहीं बिकते थे तो आप उदास थे, निराश थे, दुखी थे, अब दुख का कारण क्या है? कहें क्या बताऊं, धोखा खा गया। पहले से अगर 250 रुपया लगाया होता सभी कम्बलों का तो कितना मुनाफा कमाता। तो मैं उसी पश्चाताप में डूबा हूं कि बड़ा धोखा खा गया, बड़ा घाटा खा गया। देखो जब नहीं बिक रहे थे तो बहुत दुखी था, 5 रुपये का बिकने लगा तो बहुत खुश हुआ, अंतिम में वो 250 का एक कम्बल बिक गया तो उसी में गणित लगाने लगा। तो ये मन आदमी का बड़ा विचित्र है, ये दुख बना ही लेता है, सुख बनाना नहीं जानता। जो सुख बनाना जानता है वो सदैव सुखी होता है। अब सुख कैसे बनाया जाता है? दुख में से सुख निकालने की कला संत बताते हैं। कोई समस्या हो उसको जब हम सकारात्मक ढंग से सोचते हैं, निगेटिव निकाल देते हैं, तो हर समय हम सुखी ही रहते हैं। कोई सेठ था, बहुत मुनाफा हो रहा था, उसका मंत्री फ़ोन किया, हिसाब लगाया कि इतना आपको नुकसान हो गया, घाटा हो गया, बहुत उदास हुआ। इतने में फिर बताया कि नहीं नहीं मैं भूल से गणित नहीं लगा पाया था, घाटा नहीं मुनाफा हुआ है 1,00,000 का, बहुत खुश हो गया। तो थोड़े थोड़े में फूलता पचकता है, तो दुख बना लेता है और उसी में सुख बना लेता है सोच करके। तो सोच के ऊपर निर्भर है। तो किसी के घर में 2-3 4 भाई थे, एक भाई बीमार पड़ा और ख़त्म हो गया। अब माँ उसी के लिए पागल थी, तो उसके घर में संत आए, समझाए कि देखो तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं, एक ख़त्म हो गया, तो इतना क्यों पागल हो? 3 के लिए तुम्हें चिंता नहीं है? तब उसे लगा कि वास्तव में गलत कर रही हूँ, एक के लिए मैं परेशान हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ, और 3 की चिंता नहीं कर रही हूँ, 3 का भविष्य में बिगाड़े दे रही हूँ, अगर कहीं मेरा शरीर छूट गया तो 3 बेचारे अनाथ हो जाएंगे। तो संत समझाए, जैसे सब कुछ मानती हो कि सब भगवान ने दिया है, तो भगवान ने ले लिया, इसी भाव से आप प्रसन्न हो जाइए। लोगों के तो 2 ही हैं, 1 ही हैं, किसी के तो है ही नहीं बच्चे, तो यही मानो कि मेरे पास 3 अभी बच्चे हैं और खुश हो जाओ। तब उस माँ को याद आया, ज्ञान जागृत हुआ और खुश हो गई, वाह बहुत अच्छा है, मैं तो अभी बहुत लोगों से सुखी हूँ। तो सुख का इस संसार में इसी विचार से, इसी नियम से सुख मिलता है, सोच अपनी बनाए और सुखी हो, हर समय सुखी हम रह सकते हैं और सही मार्ग में चलें, संत गुरुजनों के बताए मार्ग में विवेक विचार से चलें तो हर समय सुखी रह सकते हैं। जो कुछ है उसे स्वीकार करें, धन कम है, घर में बच्चे कम हैं या नहीं हैं,
छोटा परिवार है या घर छोटा है, झोपड़ी ही है, सर्विस नहीं है, छोटी सी बिजनेस है, चल तो रहा है, रोजी रोटी चल रही है, भोजन मिल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं। बचपन से आज तक ना कपड़ा बिना रहे हम, बिना भोजन के भी नहीं रहे, बिना घर के भी नहीं रहे, सब कुछ तो हो रहा है और सम्मान मिल ही रहा है। बस ये देखें कि हमारे पास सद्गुण सदाचार की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, दुर्गुण घटे कि नहीं, हमारे अंदर मनोविकार तो नहीं छाए हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह का वेग तो नहीं भरा पड़ा है, आंधी तो नहीं आ रही उसकी, हमारे अंदर सद्गुण बढ़ रहे हैं ना, हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो नया साल आने से कोई मतलब नहीं। लोग नए साल का मुबारक सुबह से ही फोन में बेचारे सब लगे हुए हैं, तो अब क्या मुबारक है, इस साल हम कुछ नया काम करें, वही पुराना काम, वही दाल भात रोटी, वही शरीर, वही रहन सहन, वही पढ़ाई लिखाई, वही धरती माटी पानी गोबर सब, तो वही सोच विचार, वही काम क्रोध लोभ सब घेरे है। इस जिंदगी में मानव जीवन को पा करके अगर हम भक्ति भजन करते हैं, सद्गुण की कमाई करते हैं, ईमानदारी की कमाई करते हैं, आत्मकल्याण की चिंता करते हैं, तो समझ लो कि हमारा इस वर्ष हैप्पी नियर ही है और बहुत ही सार्थक है जीवन, मानव जीवन सफल है। नहीं तो ऐसे ही न जाने कितने वर्ष निकल गए, सब बेचारे अब जो कोई 90 साल जिया है तो 90 वर्ष नए साल निकल गए, हर वर्ष तो नया आता रहा, क्या किया वो, तम्बाकू भी नहीं छोड़ पाया। इसलिए हर समय ये सोचें कि हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, ये सौभाग्य से प्रकृति ने हमें मानव तन दिया, अब ऐसा तन दिया कि आंखें भी हैं, हाथ भी है, बुद्धि दिमाग भी है, हम पागल नहीं हैं, पैर भी है और सब किडनी फेफड़ा गुर्दा सब बढ़िया काम कर रहा है, पाचन शक्ति जो भी खाते हैं सब भस्म हो जाता है और कितना बढ़िया सब कमा खा रहे हैं, और मन में प्रकृति ने हमारे अंदर दया क्षमा शील संतोष तमाम जो गुण हैं, ये महान गुण हैं, इन्हीं के बदौलत हम देवता भगवान परमात्मा इंसान बन सकते हैं। इन बीजों को जागृत भत करें और इनको हरा भरा करें तो हम महान बन सकते हैं। वो चीज़ हमारे पास है, सारी शक्तियाँ हैं, बस जागृत करने की देरी है, वही काम नहीं हो रहा है, वही हो जाए तो फिर क्या ये जीवन सार्थक है, दिन सार्थक है, ये वर्ष सार्थक है, तो ये कई नया काम यही है। संकल्प होना चाहिए कि ये जीवन पा करके, ऐसा महान जीवन पा करके हम यही काम करेंगे, आज ही हमें ये जिम्मेदारी लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है, व्रत लेना है, इस काम को हम करें, अपने मन का शोधन, मन में शांति कमाना है और मन में प्रसन्नता लानी है, हर समय खुशियों की ज़िंदगी जिए, सुबह से शाम तक मुस्कुराते हुए और प्रसन्नता से ज़िंदगी जिए, और क्रोध काम लोभ मोह ये सब दूर भागते रहें, नष्ट होते रहें, दया क्षमा शील संतोष का ही फुहारा चलता रहे, परिवार घर हमारा स्वर्ग हो जाए और प्रेम का फुहारा चलता रहे, जो कुछ दिखाई दे सब मानो परमात्मा का दर्शन हो रहा है, माता पिता सब घर देवता हैं, घर अपना मंदिर है, ये घर हमारा तीर्थ है, अरे जिस घर में भक्ति भजन माता पिता की सेवा होती है, अतिथियों की सेवा होती है, उस घर की मिट्टी, उस दरवाजे की मिट्टी ही मानो क्या कहें, वो तो चंदन लगाने लायक है, उसका टीका लगा लेना चाहिए कि वाह यही तो तीर्थ है, तीर्थ का जल और मिट्टी है। लोग जाते हैं चारों धाम, वहाँ न जाने कैसे पंडे पुजारी अत्याचारी भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, और दारू मांस खा करके लोग के जेब का पैसा निकाल लेते हैं, गहने नीच लेते हैं और तमाम तरह के घोटालेबाजी कर लेते हैं देवी देवता के नाम पर, वहाँ धूर्त मूर्ख डटे पड़े हैं सब, भीतर जाकर देखो तो असलियत उनकी, पंडाओं की हालत, वो सब बदमाश हैं, गुंडे लगाए रहते हैं, ऐसी उनकी यूनियन है कि वहाँ बोल भी नहीं सकते हैं कि पंडा बाबा थोड़ा थोड़ा लिया करो, आप ये क्या कर रहे हो घोटालेबाजी। तो गुरुजी हमारे गए थे तो
घुस गए थे देखने वहाँ विंध्याचल में। तो वहाँ जब घुस गए देखे तो देखे कि बाबा जी कुछ चढ़ा नहीं रहे हैं। कहें क्या कर रहे हो? कहें देवी का दर्शन कर दे, देख रहा हूँ देवी का दर्शन देने आया हूँ मैं, ये तुम्हारी देवी तो कैसे साफ कर दिया करो, कहीं पैसा वैसा चढ़ाओ, कहीं कहीं पैसा वैसा भाई कहाँ है, साधु महात्मा तुम्हारे पास हो तो दे दो किराए भाड़ा का, तो बहुत कमाते हो। कहने बाबा को पकड़ करके ले जाओ मंदिर से बाहर। तो अब दो लोग आए मजबूत मजबूत, और गुरु जी भी हमारे मजबूत थे, वैगम आश्रम किशन पहलवान थे, तो पकड़े एक एक इधर से, कहा चलो बाबा, तो बाबू शरीर ढीला कर दिए, तो इधर से एक धक्का देता है, चलो बाबा द्वारे। कहें नहीं भाई मंदिर में आया हूँ तो देखने दीजिए, तो हाँ बहुत देवता है। अरे कहाँ चलिए इधर बाहर चलिए। अब पकड़ करके दोनों तरफ से धकियाती धकियाती बाहर की, तो कहें ठीक है चलो अच्छा हुआ। तो वहाँ पर क्या है, अगर ज़्यादा बोलना चालू करते तो वो लोग सब हर तरह का जानते हैं, अपनी दुष्टता रखते हैं। हाँ तो हाँ, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके अंदर दया क्षमा वो इंसानियत नहीं होती है। तो वहाँ लोग जो भाग भाग कर जाते हैं, बुद्धि के हीन लोग ही हैं ये बाहर भटकना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी। जिस नर में आत्म शक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। जिस नर में आत्म भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। सदगुरु पर विश्वास जिसे, वे दुख में घबराना क्या जाने। काशी मथुरा हरिद्वार वृंदावन जाना क्या जाने। तो संत गुरुजनों की भक्ति, फिर कबीर जैसे महान पुरुष के दिव्य मार्ग में चल करके, तो सारे भ्रम निकल जाने चाहिए, कहीं भटकाव नहीं रह जाता। शुद्ध इंसानियत के पथ पर अच्छे ढंग से हंसी खुशी के साथ जिंदगी जीने का ढंग आ जाता है, और ढंग के बिना जीवन बेकार हो जाता है। कैसे बेकार हो जाता है, एक उदाहरण सुनाकर बंद करूं कि एक सयानी लड़की ससुराल जाती है, शादी हुई ससुराल जाती है, और जाते ही सास का आदेश मिलता है सासू माँ की कि बेटी अब तुम्हें 7-8 दिन बीत गए हैं, और बुलाने के लिए तुम्हारे भाई और पिताजी 4-6 लोग आ रहे हैं, तो ऐसा करो कि अभी 4-6 दिन से तो मैं बना खिला रही थी भोजन, अब तुम अपने हाथों से अब अंतिम में बना करके हमें खिला कर जाओ। तो सासू माँ का आदेश था, तो नई नवेली बहू का घर में सभी लोग प्यार देते हैं, और 4-6 दिन विश्राम करने के लिए समय मिल जाता है। तो सासू माँ का आदेश पाई तो सोची कि बहुत मुश्किल है, उसके तो पांव तले की धरती सरक गई कि मैं पढ़ी लिखी बहुत हूँ, सुंदर भी बहुत हूँ, और सब प्रकार से योग्य हूँ, होम साइंस भी पढ़ी हूँ, लेकिन बना के खिलाई नहीं, प्रयोग तो आई नहीं, केवल मैं थ्योरी पढ़ी हूँ, प्रैक्टिकल तो की नहीं, तो अब क्या करूँ? लेकिन सासू माँ का आदेश है ससुराल में, इज्जत का सवाल है, मेरे नैहर की बदनामी होगी, यही सब सोच के रसोई में चली गई। तो रसोई में चली गई, अब सोचती है क्या बनाना। सासू माँ ने एक बात और बता दिया कि देखो बेटी बहूरानी, हमारे घर में सब है, अरे बड़ी बड़ी किराने की दुकानें हैं सामने, हम अपने घर में स्टोर करके नहीं रखते हैं, आज भर का सब है सामान, आटा भी है, चीनी भी है, चावल भी है, दूध भी है, हींग है, इलायची है, सब है सामान, नमक भी है, तो सब्जी पूड़ी खीर 3 चीज़ें बनाओ। तो दूध के लिए खीर के लिए 2 किलो दूध है, 10-12 लोगों का भोजन बनना है, 2 किलो खीर में दूध में हो जाएगा। तो ऐसा करना, खीर बनाना और बढ़िया खीर बनाना, उसमें मेवा काजू किशमिश सब बादाम सब डालना, इलायची डाल देना, तो उससे बढ़िया सुगंधित रेचक पाचक सब बन जाता है। तो और ऐसा करना, सब्जी में हींग जरूर डालना, उसमें बघार लगाना हींग का, ये बता दिया। अब क्या किया कि वो गई तो पहले दूध तो धर दिया, गैस खड़े खड़े बनाना था, गैस में जलाकर भगोने में धर दिया, अब दूध अभी खौला नहीं था तो चावल आधा किलो डाल दिया, नाप तौल कुछ होता है खीर में डालने की, इतना दूध इतना चावल डालो।
तो अब ज़्यादा चावल डालने से क्या हुआ कि अभी खौला भी नहीं था कि दूध है सब सोख लिया ख़त्म। अब उसमें मिलाना था, अभी चीनी मिलाना था और भी मिलाना था, तो कैसे मिलावे। लेकिन चीनी की जगह वो डिब्बा में सफ़ेद सफ़ेद रखा था और मटेरियल नमक, तो सोचा कि यही होगी चीनी, बिना चखे काफ़ी डाल दिया। अब चीनी के बराबर नमक पड़ गया, तो अब मटेरियल कुछ डाला नहीं, काजू किशमिश इत्यादि भूल गई। और उसमें क्या किया कि नमक पड़ गया, और फिर सोचा कि अंतिम में कुछ माने कहा था, तो हींग डाल दिया खीर में। तो अब उसके बाद पूरी में नंबर लगाई, तो तेल अभी खौला नहीं था कि बेल की पूरी डाल दिया, तो धीरे धीरे बज्जा मारते हुए सूं सूं करके वो पपड़ी बन गई। वो देर तक बिना ताव की पूरी निकाली हुई किसी काम की नहीं होती, खिला नहीं खा नहीं जाती, फूटती भी नहीं दांत से। तो ऐसे करके 10-12 पूरी निकाली, फिर सब्जी में इलायची का बघार लगा करके, छौंक लगा करके बनाई, फिर अंतिम में वो वाला डिब्बा वाला चीनी डाल दिया बिना चखे, फिर काम किया। तो चीनी का 1 चम्मच छिड़काव कर दिया, अब सब्जी मीठी हो गई, आलू बैंगन था। अच्छा मीठी हो गई, पकी नहीं ठीक से, तो इस तरह से बनाई। अब ढंग बढ़िया ना होने से भोजन सब खराब हो गया, लेकिन वो तो अभी चखी नहीं थी, तो परोस करके दी, तो सासू माँ की तो भाई जीभ पहले से पानी आ रहा था उनके, कि इतनी सुंदर बहू के हाथ से मैं भोजन आज पहली बार खाने जा रहा हूँ। तो फिर वो चम्मच, खीर का चम्मच पहले ही उठाई कि इसको मीठा मीठा पहले शुरुआत करूँ, यहीं से श्री गणेश करूँ। तो जैसे मुख में डाली तो क्या कहना, अब इतना नमक भरा हुआ था कि खारी जैसे, अब वो न थूकते बनता है न लीलते बनता है, अब वो खरोचते हुए मानो खीर अंदर गई। तो अब दोबारा तो चम्मच उठा नहीं, फिर उसी में धर दिया कटोरी में। चलो मन ही मार दे, अपनी ही बहू है, अब अपने घर की कमी किसे कहने जाऊं, गलती हो जाती है, सबसे अपने ही बच्ची है, क्षमा करते हुए सोचा तो पूरी सब्जी से खा लूँ, क्या करना है। तो पूरी में हाथ लगाई तो अब पूरी टूटे नहीं, बड़ा मुश्किल है, और संजोग से दांत भी नहीं था बुढ़िया को। अब इतनी कड़ी पूरी पपड़ी जैसे बहुत गड़बड़ है, अब नहीं टूटी। चलो सब्जी खा लेते हैं, अरे कोई चुपचाप खा लेते हैं, कटोरी सब्जी 2 गिलास पानी पी लेते हैं, पेट भर जाएगा। अरे हो जाता है, अपने घर में अपनी इज्जत रखना है। सब्जी में देखी तो न बैंगन पका है न आलू पका है, अब बड़ा मुश्किल है, टटोल डटाल के धर दिया। तो ये 1/2 गिलास पानी पी के गुस्सा बहुत तेज आ गया, फिर आ ही जाता है 1-2-3 में। फिर रसोई में गई कि अपने से बना के खाती हूँ, अब कुछ नहीं कहूँगी इसे। जब देखी वहाँ तो सामान ही नहीं, पहले ही बता दिया था कि आजे भर का सामान है भाई, तो ना आटा है ना चावल है ना चीनी है ना नमक है, सब खत्म कर दी बना के। तब पीछे मुड़ के देखी, तब तक मैं बहू पहुंच गई, तो चख ली तो दौड़ी दौड़ी गई कि अरे तो सब गड़बड़ हो गया। घर में मम्मी जब बनाती थी खीर तो क्या कहें, इतना बढ़िया, हाँ रबड़ी जैसी खीर। और मैं आज बनाई तो उसी तो बहुत नमक भरा है उसमें, मैं क्या डाल दी, चीनी तो डाली नहीं। तो यही देख करके वो भागी भागी चली गई पीछे पीछे, दोनों की आंखें चार हुई। तो क्षमा मांगने लगी, मम्मी मुझसे भूल हो गई, कहीं अरे तुझे जरा बताना चाहिए, जब ढंग नहीं मालूम है बनाने का, देख ना ढंग ना मालूम होने से कितना नुकसान हुआ, समय सामान और श्रम, 3 घंटा मेहनत की तू, 3 घंटा मानो तू बेकार बैठी सोती रही, निरर्थक समय गया। और इतना सामान सब था, दाल चावल, अब 10 लोगों का भोजन बढ़िया बन जाता तो सब प्रशंसा करते, सबका पेट भर जाता, किसी का पेट नहीं भरा। इतना खराब भोजन कौन खाएंगे, मैं ही नहीं खा पाई, दूसरे कौन खाएंगे। तो सामान भी खराब फेंकना पड़ेगा, समय भी खराब, और मेहनत, 3 घंटा मेहनत भी, समय भी गया मेहनत भी गई। तो ढंग ना होने से भोजन सब बिगड़ गया, समय सामान सब बेकार हो गया। इसी तरह हमें जीवन मिला है, ये शरीर एक सामान है, और इसमें लंबी उम्र एक समय मिला है, और श्रम, मेहनत करते हैं जीवन को जिंदा रखने के लिए, कितना श्रम करते हैं,
कितना बिजनेस धंधा रोजी रोटी के लिए रात दिन सोचते भागते हैं और कितना श्रम कर पूजा पाठ भी करते हैं दुख से बचने के लिए, तो ढंग ना होने से ना हमारा पूजा पाठ ठीक हो पा रहा है, ना जीवन जीना सार्थक हो रहा है, ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब बेकार हो रहा है। तो अगर यही ढंग से हम पूजा पाठ समझ लें, ढंग से अगर खान पान चाल चलन चलने लगें, तो यही जीवन यही मानव तन देव भगवान परमात्मा हो जाए, जीते जी हम सुख का अनुभव करने लगें और सब कुछ सार्थक हो जाए। थोड़ी मेहनत में ही, ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ी मेहनत में सारी बुराइयां हट जाएंगी, सारे अंधविश्वास दिल से निकल जाएंगे, अब हम जग जाएंगे, इन्हीं आँखों से हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, दिखाई देगा कि भगवान परमात्मा है क्या, इसी दिल में महसूस होगा, और फिर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आराम से ज़िंदगी भी बीत जाएगी, रोटी भोजन भी का जुगाड़ हो जाएगा और कल्याण का भी जुगाड़ हो जाएगा। सारी शक्ति इस मानव जीवन में है, लेकिन जीने का ढंग ना मालूम होने से हम पूरी ज़िंदगी खराब कर डालते हैं। अनादिकाल से यही होते आया, आज तक वो काम नहीं हो पाया है, आज इस मानव जीवन में हमें करना है, यही बाकी था, इसी को करके हम सार्थक बना सकते हैं। तुम अपनी सोच को बदलें और सही ढंग से जीवन जीना आरंभ करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिल करके बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।